घटिया स्क्रिप्ट की वजह से फ्लॉप हुए टीवी के ये 7 सुपरस्टार गलत फैसला लेकर मारे अपने पैर पर कुल्हाड़ी। जी हाँ, टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जिनको टीवी पर देखना फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि ये शो खराब स्क्रिप्ट को हामी भरकर फैंस के गुस्से का सामना कर चुके हैं। वेल, कौन है वो 7 सुपरस्टार, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है एक्टर नकुल मेहता। बड़े अच्छे लगते हैं 2 में नकुल मेहता और दिशा परमार की जोड़ी नजर आ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी नकुल मेहता अपने शो के लिए टीआरपी नहीं बटोर पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले नकुल मेहता ने इश्क बाज जैसे हिट शो में काम। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है एक्ट्रेस शिवांगी जोशी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के जरिए शिवांगी जोशी ने सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया। शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ने के बाद बालिका वधू 2 में काम किया था। अच्छी स्क्रिप्ट न होने की वजह से शिवांगी जोशी का ये शो ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। इस लिस्ट में 3 नंबर पर है शाहर शेख। टीवी एक्टर शाहर शेख एक के बाद एक टीवी शोज में काम कर रहे। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी हिट होने के बाद शाहर शेख ने इसके 2 और सीजन में काम किया। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 2 तो फैंस को बेहद पसंद आया, लेकिन सीजन 3 बुरी तरह फ्लॉप हो गया। खराब कहानी की वजह से सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी टीआरपी नहीं थाम पाया। बलिस लिस्ट में 4 नंबर पे है एक्ट्रेस नेहा शर्मा। जी हां, चमाई राजा ने नेहा शर्मा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इस शो के बाद नेहा शर्मा को नागिन 4 में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये शोज भी टीआरपी नहीं थाम सका। इस लिस्ट में नंबर 5 पे है विवियन डिसना। टीवी एक्टर विवियन डिसना मधुबाला और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे हिट शो का हिस्सा रह चुके हैं। विवियन डिसना ने हाल ही में सीरियल सिर्फ तुम के जरिए टीवी पर वापसी की थी। इस शो की कहानी फिल्म कबीर सिंह को ध्यान में रखकर बनाई थी। हालांकि फैंस ने विवियन डिसना को इस शो के एक सिरे से खारिज कर दिया। इस लिस्ट में 6 नंबर पे है एक्ट्रेस श्रेणु पारिक। श्रेणु पारिक ने सीरियल इश्क बाज में गौरी का रोल प्ले किया था। इश्क बाज के बाद श्रेणु पारिक ने सर्वगुण संपन्न में काम किया, लेकिन बेकार स्क्रिप्ट की वजह से श्रेणु पारिक का ये शो ज्यादा दिन तक टीवी पर नहीं टिका। इस लिस्ट में 7 नंबर पे है एक्टर शरद मल्होत्रा। शरद मल्होत्रा कसम तेरे प्यार की और नागिन 5 जैसे हिट शोज का हिस्सा रह चुके हैं। इन दिनों शोज के बाद शरद मल्होत्रा ने विरोधी में काम किया था, लेकिन शरद मल्होत्रा का ये शो कब आकर चला गया किसी को पता ही।